नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान में दो चरणों में मतदान होना है। प्रदेश की 25 संसदीय सीटों के लिए दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। 5 साल संसद में जोर आजमाइश करने वाले नेताओं की अब पब्लिक परीक्षा की बारी आ चुकी है। बीते 5 सालों में पार्षदों ने, सांसदों ने अपने क्षेत्र और वहां की जनता के लिए क्या कुछ किया, इसी के साथ क्या नहीं किया, इसका हिसाब किताब का वक्त अब आ गया है। बारा झालावाड़ सीट के सांसद दुष्यंत सिंह के कामकाज से जनता कितनी संतुष्ट है, हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा के जरिए हम आपके सामने लाने वाले हैं। अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि बारा झालावाड़ की जनता अपने नेता के बारे में आखिर सोचती क्या है। पब्लिक परीक्षा के जरिए हम ये भी बताएंगे कि जनता ने इन्हें कितने अंकों से पास या फिर फेल किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम नेताजी की पब्लिक परीक्षा की। राजस्थान का हाड़ौती क्षेत्र यानी कोटा संभाग शुरू से ही आरएसएस और जनसंघ के बाद बीजेपी का गढ़ बना रहा, लेकिन यहाँ की सबसे हाई प्रोफाइल सीट झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र है, क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह क्षेत्र है और वर्तमान में वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद हैं। राजस्थान में बीजेपी की राजनीति में एक क्षेत्र राज्य करने वाली वसुंधरा राजे के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के बाद उन्हें केंद्रीय नेतृत्व में जिम्मेदारी दी गई। बारा झालावाड़ सीट का राजनीतिक इतिहास, आजादी के बाद यह सीट सिर्फ झालावाड़ थी, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद बारा झालावाड़ सीट बनाया गया। झालावाड़ जिले की 4 और बारा जिले की 4 विधानसभा सीटों को मिलाकर बारा झालावाड़ संसदीय क्षेत्र बनाया गया। यहां अब तक वे कुल 16 लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बीजेपी ने 8 बार जीत दर्ज की। 1989 से लगातार यह सीट बीजेपी का कब्जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने 4 बार, भारतीय जनसंघ ने 2 बार, भारतीय लोकदल ने 1 बार और जनता पार्टी ने 1 बार इस सीट पर कब्जा जमाया। बारा झालावाड़ संसदीय सीट झालावाड़ और बारा जिले को मिलाकर बनाई गई है। यह लोकसभा क्षेत्र राजस्थान के कोटा संभाग के अंतर्गत आता है। राजस्थान का यह इलाका कृषि के लिहाज से बेहद उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ की बड़ी आबादी कृषि पर आधारित है। कृषि पर आधारित होने के कारण यह इलाका हाल में हुए किसान आंदोलनों का भी गवाह बना। बारा झालावाड़ सीट का राजनीतिक तानाबाना, साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ की आबादी 26,34,085 है, जिसका 81.64% हिस्सा ग्रामीण और 18.36% शहरी है। वहीं कुल आबादी का 17.65% अनुसूचित जाति और 17.4% हिस्सा अनुसूचित जनजाति है। जातिगत आधार पर देखा जाए तो बारा झालावाड़ सीट पर गुर्जरों का खासा प्रभाव है। इसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जैन और मुस्लिम समुदाय का वोट भी निर्णायक माना जाता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बारा झालावाड़ सीट पर 67.5% वोटिंग हुई थी, जिसमें बीजेपी को 59% और कांग्रेस को 34.4% वोट मिले थे। इस चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह ने लगातार 3री बार जीत दर्ज की थी और कांग्रेस के प्रमोद जनभाया को 2,81,540 मतों से हराया था। आपने बारा झालावाड़ सीट की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति देखी। आगे हम आपको बताएंगे कि बारा झालावाड़ की जनता केंद्र की सरकार को लेकर और सांसद दुष्यंत सिंह को लेकर क्या सोच रखती है। बारा से रामप्रसाद मेहता की रिपोर्ट। लोकसभा क्षेत्र के राजनीतिक और जातीय समीकरण तो आपने देखे, लेकिन दुष्यंत सिंह यहां से सांसद हैं, लिहाजा ये सीट बेहद अहम मानी जा रही है। लेकिन दुष्यंत सिंह के कामकाज से लोग कितने खुश हैं, लोग केंद्र की बीजेपी सरकार को लेकर क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, लेकिन योजनाओं से खुश है जनता, इन तमाम बातों को जानने की अब बारी आ चुकी है। हम जनता के बीच पहुंचे और जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश की, देखिए इस रिपोर्ट में। केंद्र की मोदी सरकार के 5 साल पूरे हो चुके हैं और देश में 2 चरण के चुनाव भी खत्म हो चुके हैं, लिहाजा हम जनता के बीच जाकर जनता की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी टीम इस वक्त बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में है। हमारी टीम ने अलग अलग तबकों से बातचीत की। मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग और गरीब तबकों को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई है।
और उन योजनाओं का काफी फायदा लोगों को मिल भी रहा है। बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में हमने लोगों से मोदी सरकार की अलग अलग योजनाओं के बारे में पूछा। हमने महिलाओं से उज्ज्वला योजना के बारे में जाना। हमने देखा कि उज्ज्वला योजना को लेकर ग्रामीण इलाकों में खुशी है, खासकर महिलाएं इस योजना की तारीफ करती नजर आईं। हमने देखा कि कई सारे घरों में मोदी सरकार की धुएं के खिलाफ ये लड़ाई सफल हो रही है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में हम लोग पहुंचे किशनगंज, जो कि झालावाड़ विधानसभा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का किशनगंज कस्बा। यहाँ पर जो उज्ज्वला योजना का किस तरह लोगों को फायदा मिला और किस तरह जहाँ के सांसद हैं लोगों की आशाओं पे खड़े होते हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। आप पहले खाना कैसे बनाते थे? चूल्हा में। फिर परेशानी आती होगी, कई बार रात में बनाना पड़ता है। धुंधा खड़े थे, बड़ी परेशानी आवाज। अच्छा, टंकी मिल गई, गैस मिल गई, तो अब गैस में बना ले। फायदा मिला? फायदा मिला ना, कोई परेशानी नहीं आती ना। होगा और लोगों को भी मिला? सभी लोग सबने फायदा में मिले, फायदा ही होगा चीज देगा जी। अच्छा अच्छा, किस तरह का उज्ज्वला योजना का आपको फायदा मिला? कैसे गैस से फायदा मिला है? क्या फायदा मिला इसे? इसे रोटी बनाने में, सब्जी बनाने में ऐसा फायदा मिला है। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले लकड़ी नहीं मिलती थी, छाना कोई नहीं था। हमारे साथ में उज्ज्वला योजना के एक और लाभार्थी, हम इससे जानते हैं किस तरह इनको फायदा मिला। आपको गैस की टंकी मिली, क्या फायदा आपको मिला है? रोटी बनावा का फायदा मिला, जल्दी से रोटी बना ले न मर जाओ। उज्ज्वला योजना के एक और लाभार्थी हमारे साथ में, हम इनसे जाने के किस तरह इनको बेनिफिट मिला उज्ज्वला योजना आने के बाद में, किस तरह की राहत मिली, किस तरह का आपको फायदा मिला उज्ज्वला योजना से गैस की? प्रधानमंत्री आदेश, मोदी जी का आदेश। फिर क्या मिला था आपको? गैस, गैस मिली थी। क्या फायदा मिला आपसे? बड़ा फायदा मिला, हम तो दौड़ ना जाओ, बड़ा सुविधा सुविधा हुई। पहले क्या दिक्कत आती थी? पहले चूल्हा पर कर रहे, चूल्हा पर कर रहे तो धुंधाड़ो भी आओ, पर अब बढ़िया चीज लकड़ा न मिले, बैसो न मिले, लकड़ी न मिले, बढ़िया बढ़िया योजना है। जिला योजना की पड़ताल करने के बाद हम किसानों के बीच पहुंचे। असल में हम जानना चाहते थे कि किसानों की राय केंद्र की सरकार को लेकर क्या है। मोदी सरकार किसानों को लेकर तमाम दावे करती रहती है, पर असल हकीकत क्या है इसका पता लगाने हम किसानों के बीच पहुंचे। हमने देखा कि केंद्र सरकार को लेकर किसानों में थोड़ी बहुत नाराजगी है। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज हम किसानों के साथ, और हम किसानों से जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस तरह कारगर साबित हो रही है। अपने जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, किस तरह से बेनिफिट किसानों को मिलता है? पेमेंट केसीसी कटता, क्या फायदा मिल पाता? नहीं मिल पाता? नहीं साहब, केसीसी से पेमेंट कट जाओ, रबी फसल को अलग और दूसरी खरीफ फसल को अलग, पर पैसा बैंक में जो फसल खराब हो जाओ तो बिल्कुल भी पैसा ना रहे खाता में, काय भी ना रहे। प्रधानमंत्री जी ने तो सारी व्यवस्था कर रखी है, सब योजना लागू कर रखी है, पर बीच में बैंक आड़ा रही वगैरह का जाओ जो काय भी ना पूरा किसान आता है पैसा। योजना तो बढ़िया जे, पर ये बीच का जो कर्मचारी जे, ये बैंक का जे, ये 150 पीस आओ जे उन बीच में खाकर खत्म कर दीजिए, कि किसान आगे कोई प्रॉफिट कोई नहीं। यहाँ से तो जो किसान छे उनका हिसाब से यहाँ के प्रीमियम काट लीजिए और किसान का कुछ भी नहीं दे। क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या फायदा मिल पा रहा है आपको? नहीं, योजना तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये किसानों के साथ चला हुआ है और ये बीच में कर्मचारी खा जाते हैं। बिल्कुल जो जो हमें जो क्लेम मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा। किसान बैंकों में चक्कर काटते रहते हैं, देखते हैं भाई मिल रहा है कि नहीं मिला है। अखबारबाजी में आता है कि मुआवजा मिलेगा, नहीं मिल नहीं पाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी किसी से पैसे कटते हैं, क्या आपको फायदा मिल पाता है इसका? फायदा जो मिला कोई साल न मिला। ये अलग अलग बीमा कंपनी का अलग अलग काटे थे बीमा, यहाँ का कोई फायदा कोई नहीं, तो नुकसान ही। किसानों में फसल बीमा योजना को लेकर नाराजगी देखने को मिल रही है। इस योजना का पूरी तरह से लाभ किसानों को नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो केंद्र सरकार और स्थानीय सांसद से थोड़े नाराज दिखे। हम छात्रों के बीच पहुंचे और हमने छात्रों से डिजिटल योजना को लेकर बातचीत की। नेताजी की पब्लिक परीक्षा में आज हम लोग डिजिटल इंडिया के मामले में जानकारी लेते हैं। डिजिटल इंडिया जो सरकार ने डिजिटल इंडिया से क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिल रहे हैं? डिजिटल इंडिया से हमें बहुत सारे बेनिफिट उपलब्ध हो रहे हैं अभी, जैसे हमारे खातों की सुरक्षा का, जो हम पहले इधर उधर बैंकों में जाते थे कहीं पे, जैसे ऑनलाइन पेमेंट करना, और बैंकों में सुरक्षा को और पुख्ता किया है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। जिस प्रकार से सारी प्रणाली, जो पैसों का लेन देन है, वो सब कुछ डिजिटल हो गया है।
आज हमारे महाविद्यालय में भी पहले जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे उनमें से कुछ फॉर्म गायब हो जाते थे, तो बच्चे दूर दूर तक उनको पता नहीं रहता था कब तक हमारे फॉर्म भराए में आएंगे कब तक नहीं आएंगे। आज वो फॉर्म वहाँ सबमिट डायरेक्ट हो जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे प्रवेश पत्र मिल जाता है। इस प्रकार की सुविधाएं हमें मिल रही है डिजिटल इंडिया के माध्यम से। डिजिटल इंडिया से बेनिफिट की, क्योंकि आजकल के जो जो भी छात्र हैं हर कुछ कार्य करने के लिए तुरंत कार्य हो जाता है। पहले क्या है, डिजिटल इंडिया नहीं होने के कारण क्या है कि उसमें टाइम लगता था, और डिजिटल इंडिया का यही फायदा है सबसे ज्यादा कि हर व्यक्ति डिजिटल इंडिया के बारे में जानकारी मिल गई, उसका तुरंत काम हो जाता है। नहीं और भी हमारे साथ डिजिटल इंडिया क्या बेनिफिट है, ऑनलाइन भुगतान हो जाता है, पेमेंट आउट ओटीपी भी आता है, बैंकों से कोई फोर्जरी नहीं हो पाती, क्या क्या बेनिफिट आपको नजर आते हैं? डिजिटल इंडिया से जितने भी पुराने पहले जो ऑफलाइन काम होते थे उनमें जितनी दिक्कत आती थी वो सबसे पहले इम्पोर्टेंट, तो वो सबसे बढ़िया सोल्व हो चुकी है। जैसे अपन लाइट के बिल वगैरह जिनको जमा कराने जाते हैं अब सब ऑनलाइन हो चुके हैं, खाते ऑनलाइन खुल जाती है बैंकिंग के माध्यम से, बहुत से जो बिलिंग होती थी जो ऑफलाइन कार्य होते थे वो सब ऑनलाइन हो गए। उनसे जहाँ घंटों पर परेशान होना पड़ता था दिन भर, अब वो 5 मिनट में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हो जाता है। मतलब एक फायदे की योजना हाँ बहुत अच्छी साबित हो पाई है डिजिटल इंडिया के माध्यम से, हर प्रकार की परेशानियाँ दूर हो चुकी है, जनता बहुत खुश है। डिजिटल इंडिया से क्या क्या बेनिफिट आपको देखने को मिले? डिजिटल इंडिया से बहुत सारे काम हो गए, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग होगी, मतलब अब पहले अपन को बैंकों में लाइन मतलब बैंकों में जाके बहुत टाइम लगता था, और आजकल मतलब मोबाइल से सीधे सीधे काम हो जाते हैं सारे। और इसके साथ मतलब मोबाइल में अपन मतलब ऑनलाइन होने से मोबाइल में घर पे बैठे बैठे अपन कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रोजगार फायदेमंद साबित हो रही सरकार की डिजिटल हाँ योजना, तो वो अच्छी समर्थन में हम योजना। इससे हमें नौकरी की जानकारी मिल सकती है और इससे मोबाइल वगैरह सब इजीली मिल जाते हैं, जिस चीज की भी जानकारी लेना चाहे हम वो ले सकते हैं। डिजिटल इंडिया से ये हो गया है कि आज को हम ऑनलाइन जो भी फॉर्म भरने होते हैं सब हम आसानी से भर सकते हैं, और जिस जिस काम को हमें काफी टाइम लगता था वो आज बस 2 मिनट में हो जाता है, मतलब सारा काम काफी स्वास्थ्य हो जाता है, फोन के जरिए से जो भी काम है वो हम आसानी से कर सकते हैं। यानी केंद्र सरकार को लेकर अलग अलग तबके की राय अलग अलग है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि वोट डालते वक्त लोग किन बातों को अपने मन में रखते हैं। बारा से राम प्रसाद मेहता की रिपोर्ट। केंद्र की सरकार को लेकर लोगों की क्या कुछ राय है ये तो आपने देखा, लेकिन स्थानीय सांसद को लेकर लोगों की राय क्या है ये भी हमने जानने की कोशिश की। हमने पड़ताल की कि सांसद दुष्यंत सिंह ने सांसद फंड में मिले पैसों में से कितने पैसे खर्च किए हैं, कहां खर्च किए हैं। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में आप देखेंगे कि सांसद दुष्यंत सिंह को लेकर लोग क्या कुछ सोचते हैं। हर सांसद को अपने संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से सांसद निधि दिया जाता है, और हम बारा झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में जानना चाहते थे कि सांसद दुष्यंत सिंह ने संसद निधि से कितना पैसा खर्च किया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि सांसद दुष्यंत सिंह अपने संसद निधि का एक बड़ा हिस्सा संसदीय क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च कर चुके हैं। सांसद दुष्यंत सिंह का रिपोर्ट कार्ड। बारा झालावाड़ सांसद दुष्यंत सिंह की संसद में 75.14% मौजूदगी रही। इस दौरान उन्होंने 252 सवाल पूछे और 34 बहस में हिस्सा लिया। अपने कार्यकाल में दुष्यंत सिंह ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया। दुष्यंत सिंह ने अपने कुल आवंटित धन का 69.84% हिस्सा क्षेत्र के विकास कार्यों पर खर्च किया है। यानी दुष्यंत सिंह ने अपने सांसद निधि का एक बड़ा हिस्सा अपने क्षेत्र में विकास कार्यों पर खर्च किया है। जब हमने बारा झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में विकास कार्यों की पड़ताल की तो हमें पता चला कि बारा झालावाड़ को परवन सिंचाई परियोजना की सौगात मिली। 7,000 करोड़ की इस परियोजना से 2 जिलों को लाभ मिल सकेगा। इस परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज, बारा में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला। झालावाड़ को रेलवे की सुविधा से जोड़ा गया है। करोड़ों की लागत से बारा और झालावाड़ में सड़कें बनी हैं। हम बारा झालावाड़ क्षेत्र के व्यापारियों के बीच पहुंचे और हमने उनसे जानने की कोशिश की कि सरकार को लेकर उनकी राय क्या है। ठीक है दायरा अपनी सीमा में, हम छोटे व्यापारी, हमको तो थोड़ा बेनिफिट तो हुआ, लेकिन फिर भी एक दायरा अगर एक सीमित उसमें टैक्स में लेवल पे आ जाए तो ज्यादा बढ़िया है, और अभी तो कारोबार बहुत कम चल रहा है। अब हम छोटे व्यापारी तो इतना नुकसान, नोटबंदी का असर तो अब लंबे टाइम पे दिखेगा, अभी तो कुछ है नहीं ऐसा। सर जीएसटी क्या मानते हैं? जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स वैसे तो अच्छा टैक्स है, पर व्यापारियों के लिए परेशानी कारक है।
इसमें सुधार होना, इसलिए सुधार होना चाहिए। इसमें चांदी सोने में भी 3% से घटा गया, 1% करना चाहिए। सर नोटबंदी क्या मानते हैं? नोटबंदी से व्यापार कम हुआ है, व्यापारियों को परेशानी आई। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास सफल तो है, प्रयास तो सफल है, पर इससे व्यापारियों को व्यापार में बहुत आघात पहुंचा है, व्यापारियों को परेशानी आई। प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास सफल नहीं होगा, सफल तो है, प्रयास तो सफल है, पर इससे व्यापारियों को व्यापार में बहुत आघात पहुंचा है। जीएसटी को वैसे तो फायदेमंद तो उस तरह से तो नहीं है, सुधार की गुंजाइश। इसमें सुधार की गुंजाइश, रेटें एक समान हो और रेट कम से कम की जाए। नोटबंदी क्या मानते हैं? नोटबंदी में कोई विशेष वो तो हाँ, इससे काफी व्यापार में दिक्कत आई है। विकास के दावों और वादों के बीच जनता का मूड क्या है, ये तो चुनावी नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन आगे हम आपको बताएंगे कि सांसद दुष्यंत सिंह को विकास के मीटर पर लोगों ने कितने नंबर दिए हैं। बारा से रामप्रसाद मेहता की रिपोर्ट। आपने देखा कि सांसद ने विकास के कितने काम करवाए हैं, लोगों की राय सांसद दुष्यंत सिंह को लेकर क्या है। और अब वक्त आ गया है ये जानने का कि सांसद दुष्यंत सिंह को लोगों ने 10 में से कितने नंबर दिए। बारा झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में हम सांसद दुष्यंत सिंह के करवाए गए कामों की पड़ताल कर रहे हैं। हम ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं किसानों व्यापारियों के पास पहुंचे। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि सांसद को लेकर उनकी राय क्या है और वो सांसद को विकास के मीटर पर कितना नंबर दे रहे हैं। जब हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की तो उज्ज्वला योजना आमजन और गरीब महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित होती हमें दिखी। हमने अलग अलग तबकों से बात की कि वो सांसद दुष्यंत सिंह को और केंद्र की मोदी सरकार को कितने नंबर दे रहे हैं। केंद्र सरकार को 10 में से 10 नंबर देंगे, सांसद को भी 10 में से 10 देंगे। कितने नंबर देना चाहोगे? 10 of 10 पूरे नंबर देने चाहते हैं हम। 10 10 में से 10 10 में से 10 देना चाहेंगे क्योंकि उन्होंने काफी किया है हमारे कॉलेज के लिए। आज यहाँ पे वह कहता हूँ कि सारी कमियाँ पूरी हो गई है और उनको 10 में से 10 अंक देना चाहेंगे। प्रधानमंत्री को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में से 10 ही देना चाहिए। सांसद को तो कमी देना 8% ही मान लियो। प्रधानमंत्री को 10 में से 10। सांसद को तो 6 ही नंबर दूंगा मैं तो। भी कितने नंबर दोगे प्रधानमंत्री जी? मैं तो पूरा ही नंबर दूंगा 10 का 10। सांसद को तो बिल्कुल कुछ भी नहीं दे सकता हूँ मैं तो। प्रधानमंत्री जी कितने? 10 में से 10। और सांसद जी को? अगर दुष्यंत जी वही खड़े तो 1 नंबर। आप कितना नंबर देना चाहोगे प्रधानमंत्री जी? 10 में से 10 ही देंगे। आप प्रधानमंत्री के प्रयास में कितने नंबर दोगे? 10 में से 8 नंबर देंगे। कितने नंबर देना चाहेंगे? 10 में से 8। प्रधानमंत्री के प्रयास में 10 में से 5 नंबर मान लो और क्या। नेताजी की पब्लिक परीक्षा कार्यक्रम में हमने स्थानीय लोगों से पूछा कि वो विकास के पैमाने पर दुष्यंत सिंह को कितने नंबर दे रहे हैं और तमाम नंबरों को जोड़कर हमने दुष्यंत सिंह को मिले नंबरों का औसत तैयार किया है। हमारी पड़ताल में पता चला कि स्थानीय लोग सांसद दुष्यंत सिंह को 10 में से 7.2 नंबर दे रहे हैं, यानी दुष्यंत सिंह को विकास के पैमाने पर अच्छे नंबर मिल रहे हैं। अब देखना होगा कि चुनावी नतीजों में सांसद दुष्यंत सिंह को बारा झालावाड़ की जनता कितने नंबरों से पास करती है। बारा से रामप्रसाद मेहता की रिपोर्ट।